वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। कोरल ड्रॉ में हम कोई भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में डिज़ाइनिंग के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉलीगन ऑब्जेक्ट ले लिया है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सेंटर पॉइंट को हमने नीचे रख लिया है, क्योंकि जब हम डुप्लीकेशन करेंगे तो इसी पॉइंट से वो सारी चीज़ें रोटेशन में आएंगी। सबसे पहले हमने क्या करा, रोटेशन मोड में इसको थोड़ा सा आगे की तरफ रखते हुए राइट क्लिक से हमने इसको छोड़ दिया और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो जो नीचे सेंटर पॉइंट रखा है उसी से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हमारे रोटेट हो रहे हैं। और सारी चीज़ें जब हम यहाँ पर बना देंगे, उसके बाद पिक टूल से हम सभी का सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम इसमें कोई भी कलर फिल आउट कर देंगे और इन सभी शेप को यहाँ से कर देंगे कंबाइन। कंबाइन करते ही हमारा कलर पूरी तरीके से हमें शो होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। चाहे तो मैं यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इसको कोई डिस्टोर्शन इफेक्ट डालते हुए चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद यहाँ से आप फिर से इस पर क्लिक कीजिए, इसके सेंटर पॉइंट को रखिए। सेंटर पॉइंट को रखने के बाद हमने फिर से इसको रोटेट करा और कंट्रोल डी से हमने एक और डिज़ाइन यहाँ पर बना दिया। अब बनने के बाद हमें इसको सिलेक्शन कराना है। सिलेक्शन के बाद कलर फिल आउट करने पर हम जब भी इसको फिर से करेंगे कंबाइन, तो कंबाइन करते ही हमारा देखिए एक डिज़ाइन बन चुका है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेकर उसको डिस्टोर्शन इफेक्ट से या कोई भी कस्टम शेप बनाकर सेंटर पॉइंट नीचे रखकर उसको रोटेट करके आप कोई भी कस्टम डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके के आगे ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कोई भी कमेंट्स में आप बता सकते हैं किस तरीके के लोगो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।